सो हे गाइस, वेलकम टू डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट डे किस तरीके से हम उसको ट्रेड कर सकते हैं एंड उस ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या है। इसके अलावा बेस्ट स्टॉक जिनको कल हम इंट्राडे के अंदर ट्रेड कर सकते हैं और उस ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया है एंड दोस्तों, कल जो मैंने बताया था कि अगर जो मैंने कल आपको एक एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर किया था, एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। ठीक है, मैं आपको कुछ दिनों से कंटिन्यूसली बोल रहा था कि एक तो यहाँ पर देखोगे एक डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ हमको नजर आ रहा था, उसके बाद जो है यहां पर काफी ज्यादा प्राइस टाइम स्पेंड कर चुकी है। ठीक है, एंड उसके बाद बताया था कि यहां पर कभी भी बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है और आज फाइनली हमको एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है। 24800 का एक राउंड लेवल नंबर था, रेजिस्टेंस लेवल था एंड फाइनली 34800 का लेवल क्रॉस किया। उसके बाद एक बड़ी तेजी हमको देखने को मिली और 35250 के आसपास इसने हाई लगाया है एंड उसके बाद क्लोजिंग प्राइस की बात करो तो 35095 के आसपास इसने समवेयर अराउंड यहां पर क्लोजिंग दी है। ठीक है, 35100 का एक राउंड लेवल नंबर ले सकते हैं क्लोजिंग के लिए। ठीक है, तो इतना हाई क्लोजिंग दिया है तो काफी अच्छा पैसा आपका बना होगा। मैंने कल भी आपको बताया था कि ब्रेकआउट होगा तो बड़ी तेजी हमको इसमें देखने को मिल सकती है। ये जो पूरा गैप हमको दिख रहा था इस लेवल के आसपास, देखोगे ये पूरा गैप पेंडिंग था इन कैंडल्स के बीच में, वो गैप फिल हो चुका है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट डे क्या हो सकता है, किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं सारी चीजों को, चलिए अब हम देख लेते हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको दोस्तों पहले ही बताया था कि जो लास्ट लो बनाया था यहां पर, अगर प्राइस दोबारा यहां पर आती है तो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, लेकिन हमको जैसा अभी देखने को मिल रहा है कि प्राइस इस लेवल को टच नहीं किया, उससे पहले ही ऊपर में सपोर्ट लिया एंड वहीं से ऊपर की तरफ मूव करते हुए नजर आ रही, तो डेफिनेटली स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ जाएगी, लेकिन एक कंफर्मेशन हुआ है कि एक ब्रेकआउट हमको आज देखने को मिला है। ठीक है, चलिए छोटे टाइम फ्रेम का चार्ट लगा लेता हूं, 50 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर अगर हम देखेंगे तो अब हम एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कल आपको मैंने बताया था कि हमको शॉर्ट के लिए कब प्लान करना है, एक तो या तो फिर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो साइडवेज। अगर मैंने आपको बताया था कि कल साइडवेज ओपन होती है, आज मतलब साइडवेज होती है एंड इस 34300 का लेवल क्रॉस करते हैं हम उसको शॉर्ट के लिए प्लान करेंगे, लेकिन आज देखो कि प्राइस गैप अप ओपनिंग हुई, ऑलमोस्ट 700 के आसपास ओपन हुई। ठीक है, तो इनिशियली हमको थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, लेकिन प्राइस ने इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया, उसके बाद एक बड़ी तेजी हमको देखने को मिली एंड यहाँ पर देख सकते हो कल भी मैंने आपको एक चीज मैंने आपको बताई थी कि जब भी प्राइस एक रेजिस्टेंस लेवल के पास जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगी उसको ब्रेक कर देगी। ठीक है, 3 से 4 दिन यहां पर वेट कर चुकी थी और यहां पर फाइनली आज ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो काफी अच्छी बड़ी तेजी हमको इसमें देखने को मिली है। ठीक है, तो अब कल के लिए हमारा एक सिंपल प्लान रहेगा, अगर प्राइस साइडवेज ओपन होती है, मान लेते हैं कि प्राइस इस रेंज के बीच में ओपन हो, ठीक है, 100 पॉइंट ऊपर या फिर इस रेंज, ये जो मैंने जोन क्रिएट किया इस रेंज, दो जो कैंडल दिख रही है इसके आसपास कहीं ओपन होती है, यानी कि साइड 35200 से लगाकर 35000 के बीच में कहीं पर भी ओपन होती है तो हम उसको साइडवेज काउंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहीं से अगर पहले 15 मिनट के अंदर डे का हाई ब्रेक करती है, अगर आज का हाई ब्रेक करती है तो इमीजिएटली हम बाय के लिए प्लान करेंगे। ठीक है, यहाँ से अगर प्राइस जाती है तो बाय के लिए प्लान करेंगे, टारगेट होना चाहिए 34400, एक राउंड लेवल नंबर है। ठीक है, यहाँ तक हमारा टारगेट हो सकता है, फर्स्ट टारगेट होगा डेफिनेटली ये क्रॉस होगा तो फिर 35 यहां पर, जैसे मैं आपको थोड़ा सा आगे लेता हूं, ठीक है, यहां पर ब्रेकआउट हुआ है तो यहां से फर्स्ट टारगेट 400 तक का हमारा होगा, अगर ये क्रॉस करती है प्राइस तो फिर हमारा जो सेकंड टारगेट हो सकता है वो समवेयर अराउंड इस लेवल के आसपास, ठीक है, 640 के आसपास या फिर 630 के आसपास समवेयर अराउंड ये सेकंड टारगेट हो सकता है। ठीक है, अगर प्राइस साइडवेज ओपन होती है एंड कंटिन्यूसली पहले 15 मिनट में ग्रीन कैंडल बन जाती है, उसके बाद बाय के लिए ही हम प्लान करेंगे। ठीक है, लेकिन क्या हो सकता है, कल अगर प्राइस मान लेते कि गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, गैप डाउन मीन्स कि प्राइस इस लेवल से लगाकर इस लेवल के बीच में 34800 से लगाकर 35000 के बीच में कहीं पर भी ओपन होती है तभी हमको उसको बुलिश ही काउंट करना है, क्योंकि 34800 का लेवल सपोर्ट की तरफ काम करेगा और यहीं से अगेन प्राइस जो है यहाँ पर सपोर्ट लेकर अगेन ऊपर की तरफ मूव निकल जाती है। ठीक है, तीसरी कंडीशन है कि बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग हो जाए, 200-300 पॉइंट गैप अप हो जाता है तो पहले थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आ सकता है, उसके बाद इसी के आसपास 35200 के आसपास सपोर्ट लेकर अगेन ऊपर की तरफ मूव कर सकती है। तो तीन चीज़ें हमारी ये प्लान करने, ठीक है, नीचे के लेवल एज इट इज रहेंगे, तीन लेवल में आपको यहाँ पर दे रहा हूँ आज के लिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद निफ्टी को अगर हम देखें, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा लेता हूँ एक बार निफ्टी का एंड ओके, सो यहाँ पर मैंने इसका डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया। निफ्टी का देखेंगे तो निफ्टी इतना हमको पॉजिटिव नहीं दिखा है। ठीक है, हालांकि आज की कैंडल जरूर ग्रीन कैंडल बनती हुई नजर आई है, नीचे से हैमर जैसा हमको कैंडल देखने को मिली, नीचे से हैवी रिजेक्शन हमको देखने को मिला है एंड डेफिनेटली आज की कैंडल ग्रीन है, लेकिन ओवरऑल देखेंगे ट्रेंड थोड़ा सा 3 से 4 दिनों से नेगेटिव कैंडल थी, अब यहाँ पर एक कैंडल ग्रीन है तो ये इसको कंटिन्यू कर सकती है कल। ठीक है, चलिए मैं 50 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट लगा लेता हूँ एक बार एंड इसका ब्रेकआउट अभी दूर है, हमको पता है कि इसका जो ब्रेकआउट है वो है समवेयर अराउंड 16400 के आसपास। ठीक है,
जो इसका हमने ब्रेकआउट के लिए जो प्लान कर रखा है वो 16,400 के आसपास है, उसमें अभी तक ब्रेकआउट नहीं मिला है, तो कल ब्रेकआउट मिल सकता है, कल इसके अंदर भी हमको एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो प्राइस अगर साइडवेज ओपन होती है, ठीक है, अगर प्राइस साइडवेज ओपन होती है यानी कि 16,200 के आसपास कहीं पर भी ओपन होती है, तो हम बाई इमीजिएटली बाई के लिए ही प्लान करेंगे, हम बाई के लिए प्लान करेंगे। 16,230 का लेवल या फिर 235 का लेवल क्रॉस करते हम बाई के लिए प्लान करेंगे, एंड यहाँ से टारगेट होना चाहिए फिर 16,400 तक का हमारा टारगेट होना चाहिए। 16,400 का लेवल क्रॉस होगा तो उसके बाद बड़ी तेज़ी हमको देखने को मिल सकती है, ठीक है। सेल के लिए भी अग्रेसिवली प्लान मत करना, क्योंकि आज हमको पॉजिटिव देखने को मिला है, तो कल अगर यहाँ पर साइडवेज ओपन होकर एक बड़ी रेड कैंडल अगर बनती है यहाँ पर एक टॉप लेवल के आसपास इस जगह पर बड़ी रेड कैंडल बनती है तो फिर हम सेल के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनती है उसके बाद उसका हाई ब्रेक होता है, डेफिनेटली हम बाय के लिए प्लान करेंगे, ठीक है। दो लेवल दे चुका हूँ, नीचे में अगर मैं बात करूँ इंपॉर्टेंट लेवल की, तो यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट लेवल है ये अगर सेल के लिए प्लान करना है तो डेफिनेटली एक बार इस लेवल को क्रॉस करना जरूर, ठीक है। दो से तीन लेवल दे लेता हूं, एक इंपॉर्टेंट लेवल है वो है समवेयर अराउंड यहां पर, ठीक है। तो 16,080 का लेवल, अगर 16,080 या फिर 78-75 का लेवल अगर क्रॉस करती प्राइस यहीं कहीं ओपन होकर नीचे इस लेवल को क्रॉस करती हम सेल के लिए प्लान करेंगे, एंड एक बीच में जो सपोर्ट की तरह काम करेगा 16,134 का लेवल या फिर राउंड लेवल नंबर है 16,150 का लेवल, ठीक है। यहाँ पर राउंड लेवल नंबर ले लेता हूँ, 16,150 का लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। साइडवेज ओपन होकर यहीं पर सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ मूव कर सकती है, तो 3 से 4 लेवल यहाँ पर मैं दे चुका हूँ, ठीक है। चलिए अब स्टॉक देख लेते हैं जिनको कल हम इंट्राडे के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। पहला स्टॉक है IGL, ठीक है। IGL देखोगे इंद्रप्रस्थ, इसमें अगर देखोगे 50 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर देखोगे एक नेगेटिव चैनल के अंदर ट्रेड कर रही है, ठीक है। जहाँ पर देख सकते हो प्राइस इस चैनल के ऊपर ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरफ काम चल रहा है, लेकिन आज देख सकते हो प्राइस गैप साइडवेज ओपन होती है टॉप रेजिस्टेंस के आसपास। पहले हाफ में आपको सेल के लिए ट्रेड मिला होगा, लेकिन उसके बाद देखोगे सेकंड हाफ में देखोगे प्राइस अगेन रेजिस्टेंस लेवल के आसपास काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर चुकी, ठीक है। तो कल अगर अपसाइड ब्रेकआउट मिलता है तो हम बाय के लिए प्लान कर सकते हैं या फिर सेल के लिए, दोनों तरफ हमको ट्रेड मिल सकता है। आपको इस जोन के बीच में ट्रेड नहीं करना है, ये पूरी रेंज है इसके बीच में ट्रेड नहीं करना। अगर इसका नीचे का लो क्रॉस होता है यानी कि 368 का लेवल क्रॉस करते ही 368 के नीचे अगर 15 मिनट में क्लोजिंग मिलती है हम इसको शॉर्ट के लिए प्लान करेंगे, यहाँ से सेल करेंगे। टारगेट आपका यहाँ तक होना चाहिए 360 के आसपास, ठीक है। 361 या फिर 360 के आसपास आपका टारगेट होना चाहिए सेल के लिए। लेकिन अगर अपसाइड ब्रेकआउट होता है तो हम बाय के लिए प्लान करेंगे, लेकिन हमको ज़्यादा प्रीफर करना है बाय के लिए, ठीक है। क्योंकि मार्केट आज पॉजिटिव था, कल भी अगर पॉजिटिव रहता है तो इसको हम बाय के लिए प्लान कर सकते हैं। 300 प्राइस वाइज बात करो तो 370 के ऊपर अगर 50 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिलती है तो उसके बाद यानी पहले 15 मिनट में अगर 370 का लेवल क्रॉस कर जाती है प्राइस तो उसके बाद 371 के आसपास हम इसको बाय के लिए प्लान कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे टारगेट हमको मिल सकते हैं, 1:2 के लिए आपको मिनिमम ट्राई करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है SBI, ठीक है। SBI का अगर मैं डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाऊँ एक बार, तो यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे प्राइस में तो एक हमको आज हमको एक बड़ी ग्रीन कैंडल देखने को मिली। काफ़ी टाइम से प्राइस में एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पर वेट किया, काफ़ी ज़्यादा वेट करने के बाद इस चैनल के बीच में आज अपने रेजिस्टेंस लेवल के आसपास है। तो यहाँ पर सेल और बाय दोनों के लिए आपको ट्रेड मिल सकता है। अगर मार्केट नेगेटिव रहता है तो हम सेल के लिए इसको प्लान कर सकते हैं, अगर मार्केट पॉजिटिव रहता है तो हम इसको बाय के लिए प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस आपका 3 से 4 रुपये का होना चाहिए। अगर यहाँ पर साइडवेज ओपन होकर 371 का लेवल क्रॉस 471 का लेवल क्रॉस करते हैं हम बाय के लिए प्लान करेंगे। अगर मार्केट पॉजिटिव रहता है 3 से 4 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट आपका 475 और 478 के आसपास आपका टारगेट होना चाहिए। सेल के लिए अगर बात करूँ तो 466 का लेवल अगर क्रॉस करती है प्राइस, अगर पहले 15 मिनट में 366 के यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडल के साथ क्लोजिंग देती तो हम सेल के लिए प्लान करेंगे। मार्केट नेगेटिव होना चाहिए साथ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है इंडस टावर, ठीक है। इंडस टावर काफ़ी अच्छा ट्रेड हमको इसके अंदर मिल सकता है। अगर कल मार्केट पॉजिटिव रहता तो एक बड़ा ब्रेकआउट इसके अंदर हमको देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखोगे प्राइस कंटिन्यूसली इसी के ऊपर रेजिस्टेंस फेस कर रही है, ठीक है। स्ट्रेंग लाइन के ऊपर कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस फेस कर रही है। आज हमको एक ग्रीन कैंडल देखने को मिली, उससे पहले 3 से 4 दिन टाइम स्पेंड कर चुकी है। तो अगर कल प्राइस 204 का लेवल 205 का लेवल क्रॉस करती है हम इसको बाय के लिए 205 का लेवल क्रॉस करती है बाय के लिए प्लान कर सकेंगे। 2 से 3 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा, 1:2 आपका टारगेट होना चाहिए। मेजर टारगेट यहाँ तक अगर प्राइस जाती है तो वेल एंड 210-211 तक टारगेट जा सकता है, ठीक है। लेकिन इतना हम प्लान नहीं करेंगे, आपको 1:2 के लिए प्लान करना है, ठीक है। यानी कि 3 से 4 से 5 रुपये आपको मिल जाए काफ़ी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है ग्रासिम इंडस्ट्रीज, ठीक है। यहाँ पर हमें डेली टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर देखोगे तो आज हमको एक डोजी कैंडल देखने को मिली है डेफिनेटली, लेकिन अगर यहाँ पर प्राइस इस लेवल को क्रॉस करती 1400 को लेवल क्रॉस करते हम इसको बाय के लिए प्लान करेंगे। 10 से 15 रुपये के आसपास स्टॉप लॉस होना चाहिए, 1:2 हम टारगेट के लिए प्लान करेंगे, ठीक है। काफ़ी अच्छा मोमेंटम इसको बाय साइड भी देखने को मिल सकता है। लास्ट स्टॉक देख लेते हैं जोमेटो।
जोमेटो के अंदर देखोगे अगर डेली टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर, तो काफ़ी टाइम से प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रही है और यहाँ पर दो रेड कैंडल देखने को मिली, तो कल बाय और सेल दोनों के लिए मिल सकता है। अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पर दिखाऊँ तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। प्राइस देख सकते हो नीचे में एक ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट ले रही है, ठीक है। इसके ऊपर देखोगे तो इसके ऊपर सपोर्ट लेती जा रही है, लेकिन प्राइस अगर इस लो को ब्रेक करती, इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करती, यानी कि कल प्राइस थोड़ा सा नेगेटिव रहती तो हम इसको सेल के लिए प्लान कर सकते हैं, लेकिन अग्रेसिवली सेल के लिए प्लान नहीं करना मेरे हिसाब से। अगर बाय के लिए प्लान करोगे ज़्यादा बेटर है, क्योंकि नीचे से ट्रेंड इसका बुलिश है और यहाँ पर सपोर्ट लेवल है, ठीक है। यह सपोर्ट ब्रेक होगा सेल के लिए प्लान कर सकते हैं, लेकिन अग्रेसिवली प्लान नहीं करना है, क्योंकि आज मार्केट पॉजिटिव था और यही साइडवेज था, ठीक है। अगर यहाँ पर कल मार्केट पॉजिटिव रहता और प्राइस अगर इस लेवल को क्रॉस करती है, 61 के लेवल को क्रॉस करते ही 61.50 के आसपास क्रॉस करते हैं, हम इसको बाय के लिए प्लान कर सकते हैं, ठीक है। मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव रहेगा तब हम उसको बाय के लिए प्लान कर सकते हैं। एक से 1.5 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा, 1:2 हम टारगेट के लिए प्लान करेंगे, ठीक है। चलिए आपको स्टॉक्स मिल चुके हैं, निफ्टी के लेवल्स मैंने आपको सारे दे चुका हूँ। सो कल जो मैंने जो आपको स्टॉक्स दिए होंगे डेफिनेटली आपने उनमें अच्छा पैसा कमाएगा, चाहे वो आपका सन फार्मा हो गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, सब में जो भी मैंने लेवल्स दिए थे काफ़ी अच्छा हमारा पैसा बना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे वीडियो के साथ।